ये सिमरी पंचायत के लोग हैं, इन लोग से बात करते हैं। इन लोगों का एक ही कहने का मतलब है कि पानी में तो हम लोग डूब ही रहे हैं, लेकिन माल मवेशी के लिए इतना दिक्कत हो गया है कि इसको कहाँ पाना भी मुश्किल है, क्योंकि कोई प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। आइए जानते हैं इनसे क्या कहती हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? माल जाल का दिक्कत है, सब डूब धंस गया, सब खेती बाड़ी सब डूब गया, माल जाल के क्या किया? प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हो पाया है? ना, कोई व्यवस्था ना है। ये बिहार में बाढ़ के बढ़ते प्रकोप के कारण लोग परेशान हैं, और इन लोगों का एक ही कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तरफ से जो भी योजना लाया गया था वो सब फ्लॉप था। हर घर नल जल योजना के तहत हर घर में जल जरूर पहुंच गया है, और बाढ़ में लोग तड़प रहे हैं, भिनक रहे हैं कि किस तरह से खाएंगे, किस तरह से मवेशी को रखेंगे। देखिए किस तरह से पानी यहाँ फैला हुआ है, लोगों को आने जाने में कितना परेशानी हो रही है, चारों तरफ जलमग्न है। किस तरह से पानी में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इतना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को। देखिए किस तरह से खाने पीने का व्यवस्था कर रहे हैं कि जो करी है वही खा ली। हाँ, आगे पहुँच के ना, इतना परेशानी हो रहा है कि लोग खाने का व्यवस्था अभी से कर रहे हैं कि पानी पड़ रहा है, वहाँ तक पानी है, वहाँ तक गाठी जो है ना वहाँ तक पानी है, गांव में घुसा हुआ पूरा घर डूबा हुआ है। अच्छा, माते हैं। पानी जो है रोड पे चढ़ा हुआ है, बाहर का पानी, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि घर में भी पानी घुसा हुआ है और लोग इधर उधर भाग रहे हैं। इसी बीच एक यही एक सड़क है जो दरभंगा से सिंहवाड़ा की ओर जाती है, और इसी सड़क से लोगों का आना जाना है, वो भी ठप होने वाले हैं। अभी तक का स्थिति चारों तरफ पानी फैला हुआ है, साइकिल फंस गया है। दुकान, ये सब दुकान है, सब डूबा हुआ है पानी से, लबालब पानी से डूबा हुआ है। खतरे की ये घड़ी है, मोल लेकर के आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब उतर के कहिए ना, उतर के बढ़िया 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 ना। हाँ, ले का मीडिया वाला पर दे दो। मीडिया वाला है ही। क्या परेशानी, क्या नाम है आपका? अशोक शर्मा। क्या दिक्कत हो रही है? यही देखते हैं, यही अपना दुकान है। अच्छा, पूरा पानी में डूबा हुआ है। आपका दुकान है? जी, मेरा दुकान का दुकान है, फर्नीचर का, पूजा फर्नीचर हाउस, ये सामने है ना। ये कितना दिन से लगभग पानी लगा हुआ है यहाँ? पानी यहाँ पर लगभग जो है तो 5 दिन हो गया है। ये देखिए इनका दर्द निकल रहा है कि इनके घर में 25 दिन से घर में पानी पड़ा हुआ है और परेशान है। इनका दुकान भी है जो बंद हो गया है, घर पे भी पानी है, घर में भी पानी घुसा हुआ है, खाना बनाने के लिए किसी तरह से देखिए फर्नीचर का दुकान है, पूजा फर्नीचर हाउस, लोग परेशान हैं यहाँ। देखिए किस तरह से यहाँ पे माल मवेशी को रखा गया है, ये किसी तरह से, ये इतना कीचड़ में लोगों को रहना दुश्वार है, ऊपर से माल मवेशी को किस तरह से रख रहे हैं,
खाने का भी व्यवस्था नहीं हो पाया है मवेशी के लिए। देखिए किस तरह से पानी काला पड़ गया है, और देखिए यहाँ नल का भी व्यवस्था जो है किस तरह से है, क्योंकि यह पीने का पानी तक खराब हो गया। आदमी किस तरह रहेगा, बीमारी में पड़ेगा। किस तरह से माल मवेशी को रखे हुए हैं कीचड़ में, बहुत ही बुरा व्यवस्था है यहाँ का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से यह संवाद आया था कि सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, माल मवेशी को खाने का पूरा व्यवस्था किया जाए, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। आइए जानते हैं कि क्या इन लोगों से क्या। बबीता देवी, कैसे दिक्कत का सामना? बहुत दिक्कत है माल जा। क्या नाम हुआ आपका? बबीता देवी। क्या परेशानी हो रही है? पानी में हम लोगों का घर है, माल जाल का खुराकी सब भीज गया, भूसा पटा सब पानी में पड़ा हुआ है, माल को बहुत दिक्कत हो रहा है, आदमी माल सब परेशानी में है पड़ा। मुखिया जी से कहे थे? हाँ कहे हैं, लेकिन सुनिए नहीं रहा है ना। कौन है मुखिया जी? मुखिया जी भोला पास मान जो है। कौन पंचायत में पड़ता है ये? सिंहवाड़ा प्रखंड। तो इस तरह से लोगों का दर्द बयां हो रहा है कि मुखिया जी भी नहीं सुन रहे हैं, प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। देखिए किस तरह से माल मवेशी को पानी पीने का भी जगह नहीं है, और हर घर में जल है। नीतीश कुमार जी का ये सात निश्चय योजना के तहत जो हर घर नल जल योजना जो शुरू हुआ था, उसमें ये जरूर कह सकते हैं कि हर घर में जल है। ये बिहार का बढ़ते प्रकोप, बाढ़ का बढ़ते का प्रकोप के कारण बिहार तबाह है। उसमें से ये सिमरी गांव का भी इस तरह ही से तबाह है, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। धन्यवाद।